हाय नमस्कार, सिटी न्यूज 100 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आंचल मिश्रा। मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम सर्वोदय हॉस्पिटल में पहुंचे और अटाली गांव में आज सुबह गोली चलती है बताया जा रहा है। परिवार का ही मेंबर है जिसका नाम प्रमोद बताया जा रहा है, मनोज बताया जा रहा है, जिसने ईश्वर नाम के युवक को गोली मारी है, कमर पे गोली मारी गई है। परिवार के मेंबर यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या था पूरा। सर क्या हुआ? सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामू है। क्या हुआ ईश्वर सिंह के साथ, किसने गोली मारी? यार सुबह 10-11 बजे की बात है, जब ईश्वर घर से निकल के जा रहा था गली में से, तो गली में ही आगे एक घर पड़ता है, एक लड़के का मनोज नाम है उसका, मनोज सनोप गजन, उसने गोली मारी। क्यों मारे? कोई आपसी रंजे? आपसी रंजे जैसा तो कोई मसला नहीं था कि भाई कोई खानदानी दुश्मनी चली आ रही है, अब को जमीन विवाद है। अब वो तो या तो मनोज जब पकड़ा जाएगा, पुलिस उससे इंक्वायरी करेगी तो बताएगा क्या रंजे से। कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो? भाई हमारी नजर में तो कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। किसने मारी थी? ये मनोज ने मारी थी। मनोज कौन थे, इनको जानते हो आप? जी जानते हैं, हमारे कुनवा में से ये परिवार का लड़का है। परिवार के लड़के हैं। तो क्यों मारे? कोई आपसे रंजिश रही हो, लड़ाई झगड़ा? आपसी रंजिश लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था। अब क्यों मारी है तो मनोज ही बताएगा क्यों मारी है। उम्र कितनी भैया इनकी? मनोज की, ईश्वर की लगभग 30 साल है, मनोज की लगभग 27-26। शादीशुदा है ईश्वर? ईश्वर शादीशुदा है। बच्चे बच्चे भी हैं? बच्चे भी हैं, एक लड़की एक लड़का। तो बातचीत हुई इनसे अभी? नहीं, तो आईसीयू में है, तो बातचीत करने की हालत में तो अभी है नहीं, है सीरियस है। कितने बजे का मामला? लगभग 10-11 बजे का मामला, सुबह 10-11। जी। उन्होंने कुछ बताया था क्या हुआ था, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो? नहीं, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, उसका फोन आया था मेरे पास गोली लगने के बाद। उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे मनोज नाम के लड़के, मनोज ने गोली मारी है मुझे, तो उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके आए। तो एक गोली मारी है, कई और गोली है? एक गोली मारी है। आप कौन? उनके बड़े भाई? जी बड़ा भाई। परिवार के? जी। तो वो कहाँ जा रहे थे जब गोली मारी? वो बैठक है हमारे परिवार की, एक उस बैठक पे जा रहा था, वो रास्ते में से निकल गए। पुलिस को सूचना दी भाई साहब? जी पुलिस को सूचना कर दी। 112 नंबर पे छांसा थाना पड़ता है। छांसा थाना पड़ता? जी पुलिस यहाँ पे भी आई है, घर पे भी गई है। और पिता का नाम क्या है इनके भैया? धर्मवीर सिंह। अच्छा, ईश्वर सनो धर्मवीर सिंह। हाँ, अटाली गांव। इससे पहले भी इन पे कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा हमला हुआ? नहीं, इससे पहले कभी कोई हमला नहीं हुआ इनको। परिवारी मेंबर कुछ ऐसा जमीनी विवाद हो, कुछ हो, कुछ भी, क्योंकि ऐसे किसी को गोली मारना ये थोड़ी सी अभी। जी हम ये बात हमको भी हजम नहीं हो रही, लेकिन ये तो जब हजम से नहीं हो रही क्योंकि ऐसे अचानक गोली मारना, बीच रास्ते में मारना और चले जाना। आप परिवार के मेंबर हैं इसलिए हम आपसे पूछे, कोई आपसे रंजिश, जमीनी विवाद हो, कुछ ऐसा? कोई रंजिश नहीं है। अब वो क्यों मारी है उसने गोली, अब वो तो पहले कभी दोस्ती रही हो इससे? पहले दोस्ती थी, मतलब एक तरह से ये भाई है, दोस्ती होती है सभी से। ये भाई थे? हाँ जी, भाई चाचा ताऊ के लड़के। जी जी, कुनबा होता है, गांव में बड़ा परिवार होता है, परिवार के सदस्य हैं ये भी। कोई फोटो है भैया ईश्वर की आपके पास? ईश्वर की फोटो तो मोबाइल में हो, व्हाट्सएप, फेसबुक? हाँ है ये फोटो। अच्छा, तो जब इनको गोली मारी थी आपको सूचना इसकी कब मिली थी? तभी मिल गई थी, थोड़ी देर पहले ही। एक चाचा का लड़का हमको लेके इसको। ये कहाँ पर मामला हुआ था, गांव में? ये गांव अटाली गांव में। अटाली गांव? जी। ये देख सकते हैं इस वक्त अटाली गांव का मामला, एक मिनट फोटो दिखा दीजिए ये देखिए। अच्छा ये है, इन्हीं का नाम ईश्वर है। उम्र कितनी है इनकी? लगभग 30 साल। लगभग 30 साल है, आप लोग देख रहे हैं, ये देख सकते हैं। गोद में इसका बच्चा भी है? ये इन्हीं का बच्चा ही है। इनका ही? ठीक है सर, धन्यवाद बताने के लिए, दिखाने के लिए। ये देख तो सकते हैं, ये अटाले गांव में इन्हीं का नाम ईश्वर है, जिसकी उम्र जो बताई जा रही है वो कितनी उम्र है इनकी सर? कितनी उम्र इनकी? हाँ जी 30 साल। ये देखिए 30 साल की उम्र है, जिन्होंने आज सुबह से बताया जा रहा मनोज नाम के युवक हैं जिन्होंने इनको गोली मारा है। जो गोली मारी गई वो कमर पे मारी गई, अभी कुछ पता नहीं चला है, ना ही मनोज ने कुछ बताया, क्योंकि अभी मनोज पुलिस के हत्थे चढ़ा नहीं है। इसका मतलब वो पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन जो ईश्वर है उन्होंने भी कोई बोलने की हालत में नहीं है, हालत उनकी गंभीर है, अभी आईसीयू में एडमिट है। जो परिवार बोल रहा है कि कोई आपसी रंजिश, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेकिन फिर न जाने क्यों उसने गोली मारी थी। ये अटाली गांव का ही मामला था। आप लोग कहां उस टाइम जब ये गोली? हम अपने घर पे थे जी। घर पे थे जी। तो ये अकेले ही जा रहे थे, किसी के साथ? अकेले ही जा रहा था जी। अच्छा, अकेले ही जा रहे थे घर से, ऐसे गली में होते हुए जा रहा था बैठक पे, तो रास्ते की बात है। तो सर जब रास्ते में जा रहे थे तो कोई आस पड़ोस में तो देखा होगा किसी ने? बिल्कुल देखा होगा, आस पड़ोसी के घर भी है, वहाँ पे मकान भी है, तो उनसे लोगों से पूछताछ करेंगे जाके। हमको पास तो इतना टाइम नहीं है, पुलिस ही पूछेगी, हम भी पूछेंगे कि क्या बात थी क्या नहीं। तो भाई क्योंकि रास्ते में होना तो आस पड़ोस के लोगों से बात करना, ऐसा तो देखा ही होगा लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल, और दिन का मामला है, रात का मामला भी नहीं है, मतलब दिन दहाड़े एक तरीके से देखा जाए तो गोली चली। बिल्कुल 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 जी। ये देख सकते हैं इस वक्त मैं आपको बता दूं, सर्वोदय हॉस्पिटल में मौजूद है। यहाँ पर देख सकते हैं अटाली गांव का ये मामला पड़ता है, छायसा थाना क्षेत्र पड़ता है, राइट, छायसा थाना क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पर दिन दहाड़े सुबह कितने बजे के समय गोली चली थी? सुबह दिन दहाड़े 10:30 बजे के बाद ये गोली चलती है। सोचिए गोलीकांड होता है, अटाली गांव का मामला है, जिसमें ईश्वर नाम का ये युवक है, जिसकी उम्र जो 30 साल बताई जा रही, शादीशुदा है, जिन पे आज गोली चलती है। कोई प्रमोद नाम है?
जिन्होंने मारा है, मनोज नाम के युवक ने मारा है, जो कि बता कुछ पता नहीं चला कि किसने मारा है। कोई आपसे रंजिश थी, कोई जमीनी विवाद था, ऐसी कोई जानकारी अभी तक किसी को नहीं पता है। पुलिस जांच पड़ताल में लगे, ये परिवार के मेंबर थे जिन्होंने सारी जानकारी बताई है। अभी इसमें सख्त कार्रवाई होने की आवश्यकता है और जो भी सच है वो सामने आने की आवश्यकता है, क्योंकि दिन दहाड़े गोली चलना एक दहशत की बात हो जाती है। तो ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे सिटी न्यूज 100 मैच साथ सुशांत के साथ मैच सिटी न्यूज 100 के।